नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी आजमी। आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स, सच के साथ एक कदम। डॉक्टर है ये पेशे से, MBBS डॉक्टर है, और ये इनसे जानते हैं कि ये बाबा साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे। सर्वप्रथम सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर SK गौतम है। मैडम, मैं बताना चाहूँगा, जैसे क्योंकि राष्ट्रीय सम्मेलन में हम लोग गए थे तो बाबा साहब ने कहा था कि मेरे मिशन को कौन आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा था मेरे मिशन को बढ़ाने वाला कोई जोरी नहीं है कि कितना शिक्षित है या किस पद पे कार्यरत है, ये महत्व नहीं रखता है। उन्होंने बताया था हमारे मिशन को चलाने वाला बुद्धिजीवी व्यक्ति होगा, और बुद्धिजीवी व्यक्ति में तीन गुण होते हैं। पहला गुण वो दूरदर्शी हो, दूसरा उसमें नेतृत्व क्षमता हो, और तीसरा जो सलाह दे सकता हो। और जो सलाह दे सकता है तो जाहिर सी बात है कि उसको पहले ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्ञान अर्जित करने के लिए, विद्वान बनने के लिए तीन तरीके बताए थे, पहला पढ़कर, दूसरा सुनकर, तीसरा देखकर। वो एक जो तीसरा बताया तरीका बताया था देखकर, उसी के तहत हम लोग यहाँ पे आए थे, भ्रमण पे आए थे, कि जो चीजें अभी तक हम लोग किताबों में पढ़ा करते थे वो चीज सजीव रूप से अपने आंखों से देख रहे हैं। तो सर, आप जैसा कि डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं, तो आपका ज्यादा से ज्यादा समय तो मरीजों के बीच में जाता होगा, जैसे कि उसे समाज सेवा भी बोल सकते हैं। तो सर, उसके अलावा भी आप बाबा साहब के मूवमेंट को कितना चला पाते हैं, लोगों को कितना बता पाते हैं? मरीजों के बाद अपने राजकीय कार्यों को निर्वहन करने के बाद जो भी समय मिलता है, ज्यादा से ज्यादा पूरा समय समाज के लिए समर्पित करता हूँ, बाबा साहब के मिशन के लिए समर्पित करता हूँ। क्योंकि मुझे इस बात का एहसास है कि आज जहाँ पे भी मैं हूँ, इतना उच्च पद पे आसीन हूँ और इतना सम्मानित जीवन यापन कर रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है, जिसकी वजह से आज हम हूँ। तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी जो हमारे समाज के प्रति है कि जहाँ जो व्यक्ति अभी बहुत पिछड़ा है उसको भी हम विकास की मुख्य धारा तक लाएं, उनको बाबा साहब के मिशन को बताएं, जिससे वो उनसे ओतप्रोत हो, उनके बताए हुए रास्ते पे चले, अपना विकास करें, समाज हमारा आगे बढ़े और बाबा साहब के सपनों का भारत में बहुत बन सके, बहुत राष्ट्र बन सके। तो सर, आप जैसे कि बहुत ही सीनियर हैं, तो आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम निश्चित रूप से युवाओं से ये संदेश देंगे कि जो भी परिस्थिति हो, ये हमेशा याद रहे कि अगर आज हम इतना सम्मानित जीवन स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ देन बाबा साहब के है। हम इस दृढ़ को, मतलब इस दृढ़ को उतारना है, इसको कर्ज को हम कम से कम करना है, तो इसके लिए बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलना है, उनके मिशन पर आगे बढ़ाते रहना है। सभी लोगों को मेरा नव उठाए जल्दी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को बताया और एक संदेश दिया।